अदर जी अपने पश्चिम तेजस क्या है जिसकी वजह से आप पूरी सब्जी वितरण हो रहा है? मैं पंकज तिवारी, अध्यक्ष जिला कांग्रेस कमेटी रायबरेली। आज सोनिया गांधी जी का 74वां जन्मदिवस है। यद्यपि सोनिया गांधी जी ने अपने जन्मदिन के अवसर पर कोई भी समारोह करने के लिए मनाही किया था, तो इसीलिए रायबरेली जनपद में हम सारे कांग्रेस के लोग गरीबों के मध्य जाकर के, जैसे कुष्ठ सेवा आश्रम में, वृद्धा आश्रम में, गरीब बस्तियों में, पूरे रायबरेली जनपद के कांग्रेस के जन आदरणीय श्रीमती सोनिया गांधी जी के जन्मदिवस के अवसर पर गरीबों की मदद कर रहे हैं, उनको भोजन वितरण कर रहे हैं और उनकी मदद कर रहे हैं। सोनिया गांधी जी ने इसलिए मना किया था कि आज के हमारे देश का किसान परेशान है। जो ये भाजपा की सरकार ने तीन काले कानून देश के ऊपर थोपा है, ये बिल्कुल किसान विरोधी है। जब किसानों ने अपनी समस्या को उठाने के लिए, अपनी परेशानियों को उठाने के लिए धरना प्रदर्शन का आयोजन किया, तो उनके ऊपर इस भयंकर ठंड में पानी के बौछार की जाती है, उनको रोका जाता है, उनके ऊपर लाठियां तोड़ी जाती हैं। तो इस तरह के भाजपा की सरकार किसान की विरोधी है, विकास की विरोधी है। तो हम सारे कांग्रेस के लोगों ने कल ही अभी किसानों के समर्थन में जो कि भारत बंद का आह्वान किया था, सारे के कांग्रेस के लोगों ने पूरे देश में, पूरे प्रदेश में इस आंदोलन करने के लिए आंदोलन शुरू किया। हम देखें कल रायबरेली जनपद के जिस तरह से प्रशासन ने हम लोगों को जबरदस्ती रोका और अपनी बात कहने से रोका। संविधान में ये अधिकार है कि हर व्यक्ति, हर आदमी अपनी बात को कह सकता है, लेकिन ये भाजपा की सरकार संविधान विरोधी है, किसान विरोधी है। हम कांग्रेस के जन के लोग इसका डटकर मुकाबला करेंगे, संघर्ष करेंगे, सड़कों पर उतरेंगे और जीतेंगे, डरेंगे नहीं, झुकेंगे नहीं। कौन कौन कार्यकर्ता है आज यहाँ पर? आज हमारे जिला कांग्रेस कमेटी के सारे लोग हैं, सार कांग्रेस कमेटी के सारे लोग हैं, सीनियर वरिष्ठ कांग्रेस के नेता हैं, हमारे युवा साथी हैं, फ्रंटल अध्यक्ष हैं, हमारे बगल में हमारे लीगल सेल के अध्यक्ष जी बैठे हैं, उनकी और पूरी टीम बैठी है, हमारे तमाम अधिवक्ता साथी बैठे हैं, सारे कांग्रेस के लोग हैं और हम लोग गरीबों की मदद करते हैं, गरीब शोषित समाज की मदद करते हैं। जय हिंद, जय भारत।